प्रॉपर्टी टैक्स के विवाद के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान आया सामने, बोले 40% लोगों पर नहीं लगेगा टैक्स। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंचे, पुलवामा शहीद के घर जाकर दी उसे श्रद्धांजलि। श्रीनगर में आतंकियों को शरण देने वाले 4 घरों को किया गया अटैच, SIU ने की कार्रवाई। टारगेट किलिंग को लेकर भाजपा ने आज जम्मू के कचिछोनी में किया प्रदर्शन, कहा जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए आतंकियों को। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से भी टारगेट किलिंग के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, उपराज्यपाल प्रशासन से पूछे सवाल। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी पहुंची, पुलवामा संजय पंडिता के परिवार से मिलकर दी अपनी संवेदनाएं। कश्मीर की भाजपा इकाई की तरफ से भी आज कश्मीर घाटी में पंडित की टारगेट किलिंग को लेकर किया गया प्रदर्शन, हर तरफ इंसाफ की उठ रही मांग। संजय पंडित की टारगेट किलिंग को लेकर रानी पार्क जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी किया प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। अनंतनाग के सैपुरा दुरु के निवासियों ने आज बिजली विभाग के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया, कहा वार्ड में बार बार बिजली के ट्रांसफार्मर खराब होने से करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ किया आज प्रदर्शन, कहा भाजपा नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी लोगों को दिखाए सही रास्ता। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर रितु चौधरी की तरफ से कांजी हाउस तालाब तिल्लों में पाइप वर्क्स का काम किया गया शुरू। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चाड़क और प्रधान डोगरा सदर सभा की तरफ से आज की गई प्रेस वार्ता, जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ उठाए कई सवाल, पूछा प्रॉपर्टी टैक्स किस हक से लगाया जा रहा। कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया PM नरेंद्र मोदी ने, बोले वह दिन दूर नहीं जब देशवासी मेक इन इंडिया विमान में घूमेंगे। चेक विदेश मंत्री जॉन लिपवक्सी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे, द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। नेक्स्ट, 2 महीने के निचले स्तर पर आया सोने का भाव, 65 रुपए गिरकर 55,367 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।